अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं निकाह मेकअप लुक। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स एंड दिस इज़ आवर मॉडल। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम लगाएंगे अपने चेहरे पे, स्प्रे करेंगे राइस वाटर टोनिंग के लिए। बाकी जो है वो पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ सिखाया हुआ है, वो आप ज़रूर विज़िट करके देखिएगा। प्रेप एंड प्राइम कैसे करते हैं फेस को, अब जो है मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन एस्टी लंडन की। एस्टी लंडन आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है ये। और हम इसको डैम्प जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है हम लोग इसको सेट कर रहे हैं फेस को। और यहाँ पे हम लोगों ने कंसील किया है अपने हाईलाइटिंग पार्ट को, ड्राई करते हैं हाईलाइट। और इसी के साथ हम अपनी जो आईलिड है उसको भी हम सेट करेंगे, एक कैनवस सा बना लेंगे, ठीक है। जो जगह पे हम लोगों ने इसको कंसील करना है वो कंसील करेंगे। कंसील करने के बाद हम इसको जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसको सेट कर लेंगे। और ये हमारी मॉडल बहुत ज़्यादा टॉपेटिक थी आपको पूरी वीडियो में ऐसे ही नज़र आएंगी और बातें करती नजर आएंगी। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, और हमने फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सेट करने के बाद ट्रांसलूशन पाउडर के साथ हमने इसको जो है वो सेट कर दिया है, आईज़ को भी और आईलिड को भी और अंडर आई को भी सब सेट हो गया है। यहाँ पे ये देखें, ये सारा हमने पाउडर लगा के इसको पूरे फेस का एक कैनवस सेट कर दिया है। आईब्रोज भी हमने फिलअप कर दी हुई है ऑफ कैमरा, आपको ये बिल्कुल खामोश नहीं मिलेंगी किसी भी पार्ट पे, ये आपको बिल्कुल भी खामोश नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हमने इसके ये डिफरेंट टाइप से मैं आ रही हूँ अभी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो हाइलाइटिंग वाले पार्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, लिप अप देखें हाईलाइट कर दिया लिप अपर लिप ये करने के बाद ठीक है, अब हम जा रहे हैं कॉन्ट्रोल की तरफ से, ठीक है। कॉन्ट्रोल जो है वो जैसी आपके फेस की शेप होती है उसके मुताबिक आपने अपने फेस पे कॉन्ट्रोल करना होता है। ये जो जगह है यहाँ पे आप नीचे वाली साइड पे इसको ब्रश को चलाएंगे, और जब भी आप ये कॉन्ट्रोल करें तो आप उसने उसको ऊपर वाली साइड पे राउंड राउंड बट ऊपर ब्रश ऊपर को राउंड घुमाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। और यहाँ पे नोज़ कॉन्ट्रोल हो रहा है, नोज़ कॉन्ट्रोल करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिंक सा, पीची पिंक सा हमने जो है वो ब्लश ऑन किया। ब्लश ऑन करने के बाद हम ये जो नोज़ एरिया है, चीक एरिया, इसको हम अच्छे से मर्ज कर देंगे विद अपना कॉन्ट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल मर्ज कर देंगे अपने ब्लश ऑन और कॉन्ट्रोल को, मिक्स होना चाहिए, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद अब हम करेंगे अपनी आईज के क्रीज पे, पहले हम एक सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही लाइट सा शेड उठाएंगे, जो कि हमने उठाया था बहुत लाइट ऑरेंज सा शेड था, ठीक है। उसके साथ हमने एक जैसे मतलब ऊपर जो है वो आपने लाइट शेड करना है, उसके बाद आँख के नीचे वाले साइड पे जैसे आते जाना है आपने डार्कर शेड उठाते जाना है इस तरीके से, और मर्ज करते जाना है। अच्छा जी, हमने मैंने इस मेकअप में मैंने क्या किया था, तो उसके बाद मैंने सारा करने के बाद इसको स्मोकी आइज में चेंज कर दिया था। अभी आप वीडियो में देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल शेड लगा के उसके बाद यहाँ पे जब ये आइज बंद करेंगे, ये देखें ब्लैक कलर मैंने कर दिया उसका, और लिड के ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद जो है वो हम अब मुझे ये अभी जो है वो उतना मुझे अच्छा नहीं था लगा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक गोल्ड शेड उठाया, मैंने एक गोल्ड शेड उठाया और उसका नाम है जी लविशो, पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी, और इट्स लुक लाइक अ हॉलो आइज़, आप इसको हॉलो आइज़ भी कह सकते हैं। तो हमने उसके जो दरमियान वाली साइड है वहाँ पे हमने गोल्ड शेड दे दिया, तो वो एक हॉलो आइज़ बन गई। तो ये हम करेंगे, और इसके बाद जो है फिर हम लाइनर लगाएंगे, लाइनर के बाद मस्कारा एंड ऑल दैट थिंग साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ पे दोबारा से मैंने जो है वो ब्लैक कलर
उठाया और वो पूरी हॉलो आइज को मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ताकि मर्ज हुआ हुआ आए ना सारा। तो नाउ यू कैन सी, और फिर वही बात, जैसे आप आंखों के ऊपर वर्क करेंगे वैसे ही आप नीचे भी करेंगे। ये वही पिगमेंट है गोल्ड जो मैंने आपको बताया था, लेविशो पाकिस्तानी ब्रांड है, बट इसकी पिगमेंट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि ऑसम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये विद द हेल्प ऑफ आपकी टिप भी लग जाता है, और आप ब्रश के साथ भी लगा सकते, बट मुझे मज़ा आता है टिप्स के साथ, क्योंकि एक वार्म्थ होता, वार्मनेस होती है आपके फिंगर के अंदर, तो उसके साथ जब आप इसको उठाते हो तो बहुत अच्छे से ये लग जाता है। और यहाँ पे हमारी जो मॉडल है वो थोड़ा फेस को बहुत ऊपर किए रखा है इन्होंने इस वीडियो में, तो आई वॉज जस्ट बिजी इन डूइंग वर्क, तो मुझे पता नहीं चला कि वो बिल्कुल ऊपर हैं। और खैर बहरहाल, फिर हमने एक पहले हमने एक बना लिया था थोड़ा सा डार्कर शेड, आप आईलेट के नीचे जो है, नीचे लोअर लैश पे आप थोड़ा सा डार्कर देते हो, उससे नीचे नीचे आपने लाइटर आते जाना। देखें जैसे ऊपर वर्क हुआ वैसे ही नीचे होता है वर्क, ठीक है जी। और अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पे मस्कैरा। मस्कैरा आपने जो है बहुत एहतियात से लगाना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मस्कैरा जो है वो आप अपनी फिंगर जो है वो रखें, और उसके बाद उसको थोड़ा सा करने के बाद आप इसको पुश अप, इस तरह से आपने ऊपर को करते जाना है, ठीक है। आपके फिंगर पे लग जाए दैट्स फाइन, बट ये कि आपके आई शेडो को जो ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पर नहीं लगना चाहिए, तो नीचे भी लगाएं और ऊपर भी लगाएं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है वो इसको लगाते जाएं, और इसके बाद आप अपनी, जब ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद आप जो है वो लगा सकते हैं लैशेस वगैरह। अभी जो है वो अभी इनर आई पे जो है वो वर्क हो रहा है, हम ऑफ कैमरा अप्लाई कर चुके थे, और यहाँ पे नीचे आईज के नीचे जो ना वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका मेकअप जो है वो कम्प्लीट नहीं लगता है। तो यहाँ से जो डस्ट ऑफ करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कोई नीचे अगर गिर जाती है तो उसको फ्लफी से ब्रश कर, लास्ट टाइम भी बताया था, अभी बता रही हूँ, उसको रिमूव कर दीजिएगा। लो जी, शी इज सो हैप्पी, एंड बिजी बंदे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। तो खैर, इन शॉर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, जस्ट आई थिंक लैशेस वगैरह रह गए हैं, और बाकी सब कुछ जो है वो डन है। हाँ जी, लिप कलर, ऊपर लिप कलर जो है वो नहीं लगा हुआ, नीचे लगा है। यहाँ पे हमने इनको जो है वो पीच सा शेड दिया है, क्योंकि निकाह लुक है, तो निकाह के लिए जो है वो आप बहुत बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, भर के मेकअप नहीं होता, बस नॉर्मल सा मेकअप होता है। तो यहाँ पे जो है वो लिप कलर हमने अप्लाई किया, इस ये जो इनके कपड़ों का शेड है इसके साथ ये कलर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे कस्टमाइज जो है लिप कलर्स हैं, जो कि बहुत सारे लिपस्टिक को मिक्स करके मैंने ये खुद क्रिएट किए हैं। तो ये जो कलर्स हैं आपको मे बी मार्केट से तो नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये मेरे अपने ज़ाती क्रिएटेड हैं, तो कस्टमाइज हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लाइट लगा था, तो मैंने फिर उसको उठाया और इसको थोड़ा सा ऑरेंज शेड के अंदर मैं ले ली, पीच ऑरेंज सा शेड इसको मैंने दे दिया, क्योंकि इसके साथ जो है वो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था कि इसको कुछ ज़्यादा ही लाइट हो रहा था, तो हमने इसके साथ ये वाला कलर अप्लाई किया। कुछ ऐसा भी होता है कि कैमरे में कुछ समटाइम जो ना वो कलर्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे होते, तो हमें थोड़ा सा उसको उठाना पड़ता है, बट आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ज्वेलरी पहनाएंगे इनको, और फिर ये जो ट्यूटोरियल है ये यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, और दैट्स इट। तो यहाँ पे हम ज्वेलरी वगैरह पहनाने के बाद जो है पूरा लुक एक क्रिएट हो जाएगा, दुपट्टा वगैरह सेटिंग हो जाएगी, और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हो जाएगा जी। तो आज की अच्छी बात भी सुनते जाइएगा जाते जाते,
इंसान की ज़िंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल गए, आई रियली डोंट नो। खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब लोगों के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेर दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है कि आपने आई मी लॉग्स को सब्सक्राइब करना है। लाइक और कमेंट तो आपने करना ही है, तो आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सब मोहब्बतों का। और बस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे जो न्यू अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फिर जो है वो हमारी वीडियो पे आप पहुंच ले सकें। ठीक है, तो ये थी जी फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी अरूज शोहेब को दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।